गुड मॉर्निंग गाइस, न्यू वेक ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं न्यू वेक वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूं। मैं आप लोग देख सकता है, बारिश हुआ था, इसी कंडीशन का वीडियो है आज आप लोग के लिए लेके आया हूं। मैं गाइस, मेरा गाड़ी अभी लोडिंग है और हम जा रहे हैं अभी अनलोडिंग पॉइंट में, और मेरा गाड़ी में पूरा 3 टन लोड है और हम अभी जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था जाने का टाइम, अभी बारिश थोड़ा कम हो गया है और अभी हम आराम से जा रहे हैं। और इसी रोड में मेरा गाड़ी एक बार नाइट में फंसा था, बहुत बुरा तरह से फंसा था, इसलिए जब से इस रोड से गुजरता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आता है, पता नहीं क्यों। उस दिन मैं बहुत डर गया था, उसी दिन से जब मैं रास्ते में आता जाता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है। और इस रोड का कंडीशन अभी देखते हैं, अभी तो बहुत अच्छा हो गया क्योंकि अभी काम चल रहा है। जब फंसा था तब इसमें काम भी नहीं चल रहा था और रोड भी बहुत छोटा था और ड्रेन में मेरा गाड़ी जाके फंस गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन होता था। अभी तो रोड बहुत अच्छा हो गया, अभी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इस रोड में बड़ा गाड़ी भी चलता है। उसी नाइट में जब फंसा था तब तो एक हाइबा आया था, उसी से खींच के निकाला है। अभी तो रोड का कंडीशन बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। और गाइस, यहाँ का जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा गीला है और ब्रेक मार के रुका तो गाड़ी का टायर फंस जाता है, मतलब दब जाता है, फिर जाने के लिए नहीं होगा, इसलिए बहुत मुश्किल है, मतलब आराम से जाना है। और सामने एक 407 आ रहा है, पता नहीं शायद उसी की वजह से मुझे ब्रेक मारना पड़ सकता है, और पड़ गया तो शायद पता नहीं मुसीबत हो भी सकता है। और जा रहा है लगभग, तो एक गाड़ी आ गया, मुझे ब्रेक मार के रुकना पड़ गया इधर, पता नहीं कैसे जाने के लिए होगा, क्या पिकअप लेके जाना ही होगा। लेकिन सामने उधर बहुत ज़्यादा गड्ढा था, वो गड्ढा अभी मिट्टी से भरा है, नहीं चला गया मेरा गाड़ी, ठीक है। अभी वो गड्ढा से मिट्टी से गड्ढा भरा है, इसलिए गाड़ी रुक गया तो डब जाता है, फिर फंस जाता है, फिर वो पिकअप गाड़ी में नहीं मिलता है तो जाने के लिए भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और प्लीज़ गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए।